देश के सामने इस समय बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे हैं। चाइना एक बहुत ही गंभीर थ्रेट के रूप में सामने खड़ा है। आज तक पिछले 50 सालों में इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी का फेलियोर, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक चैनल्स का फेलियोर, इतना बड़ा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का इशू चाइना के साथ नहीं खड़ा हुआ। आखिर ऐसी क्या गलती है, आखिर ऐसी क्या बात गलत हुई जब हम झूले पे बैठ के झूला सकते हैं, उसके बावजूद अगर चाइना ऐसा करे तो हमारे असेसमेंट में, हमारी प्लानिंग में, हमारे अप्रोच में, हमारी पॉलिसी में कौन सी ऐसी गलती हुई, ये असेसमेंट करना चाहिए सरकार को और पार्लियामेंट के सामने इसका जवाब देना चाहिए। एक और बहुत मुद्दा जो उठना, बड़ा मुद्दा जो उठना चाहिए वो है इकोनॉमिक स्लोडाउन का। इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्लोडाउन हो गई है, अगर उसको एक्ट ऑफ गॉड कह करके चलेगा और भगवान के सहारे छोड़ देंगे क्या भगवान ही ठीक करेगा, तो वो ठीक नहीं होगी। आदमी, ईश्वर ने आदमी को जन्म दिया है जिससे कि अपना कर्म कर सके। आप अगर कर्म छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। सरकार को एक कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां पे कुछ तरीके, कुछ पॉलिसीज, कुछ एक्शंस, कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स ऐसे आ जाएं जिसपे एक्ट ऑफ गॉड की वाली बात दोबारा ना आए कभी। इससे देश बहुत हताश है और निराश है। और तीसरा मुद्दा जो मैं कहना चाहूंगा वो उत्तर प्रदेश का उठना चाहिए। जिस तरह यहां पुलिस के एसएसपी के लेवल का अधिकारी किसी से रंगदारी मांगता है और उसको गोली मरवा देता है और उसकी हत्या हो जाती है, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, पार्लियामेंट से निवेदन करूंगा इस पर डिबेट करें और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करें। देखिए, यह सेना का अपना निर्णय है। जो भी कोएलिशन की सरकार चलाना एक अलग बात है और इश्यू बेस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं, अपने अपने तरीके हैं। उनको अगर कोई बात उचित अनुचित लगती है तो मुझे लगता है कि कोएलिशन के धर्म का इसको हिस्सा माना जाना चाहिए कि इतने डिफरेंसेस हम टॉलरेट कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।